गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास सिक्स के स्टूडेंट, लिसन टू मी केयरफुली। मैं दिवाकर प्रसाद, आनंद इंटरनेशनल के संस्कृत शिक्षक, आज के इस क्रैश कोर्स के चैप्टर टू शब्द परिचय के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। तो आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं, जो कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं। संज्ञा, लिंग, वचन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, शब्द, लिंग, वचन, तालिका के माध्यम से जानकारी देना, और लास्ट में पूर्व में बताए गए अभ्यास के सभी प्रश्नों को याद करना और उनके उत्तरों को भी कंठस्थ करना। तो चलते हैं। संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सुख, विद्यालय, फलम। लिंग, जिस शब्द से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, नपुंसक जाति की पहचान हो, उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मृग, नर, सुकर, मयूर, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लता, माला, अध्यापिका आदि। नपुंसक लिंग, जिन शब्दों से निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे फलम, चक्रम, रूप्यकम आदि। वचन, जिस शब्द से किसी वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, क एक वचन, ख द्विवचन, ग बहुवचन। एक वचन, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं, जैसे राम, नर, बालिका, पुस्तकम आदि एक का बोध कराते हैं। द्विवचन, दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं, जैसे छात्र, फले, कलिके आदि दो का बोध कराते हैं, इसीलिए यह द्विवचन हुआ। बहुवचन, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, जैसे अश्वा, लता, मित्राणी आदि बहुवचन का बोध कराते हैं। इस पाठ में बच्चों अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ोगे। अकारांत यानी जिसका अंतिम वर्ण अ हो, पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, शब्द जिसका अर्थ हो, जैसे गधवा, गधा, वानरा, बंद, मूसका, चूहा, मीना, मछली, हस्त, हाथ, पाद, पैर, प्रकाश, प्रकार, उष्ट्र, ऊंट, छात्र, छात्र, पीकर, कोयल, कपोता, कबूतर आदि। ये सभी
का एक अर्थ है, निश्चित अर्थ है, इसीलिए ये अकारांत पुलिंग शब्द हुआ। बच्चों, पुलिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना। कुछ पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्द बताए जा रहे हैं, जैसे प्रिय प्रिया, सेवका सेविका, बालक बालिका, अध्यापक अध्यापिका, अनुज अनुजा, नायक नायिका, नर नारी, शिष्य शिष्या, गायक गायिका, छात्र छात्रा, वृद्ध वृद्धा, मुसक मुसिका, शिक्षक शिक्षिका, आजा आजा। नेक्स्ट पॉइंट, शब्द लिंग वचन रूप संज्ञा तीनों लिंगों को तालिका के माध्यम से बता रहा हूँ। शब्द अकारांत शब्द, लिंग पुलिंग एक वचन, हंस द्विवचन, हंस बहुवचन हंस, सुख इसी तरह सुख का सुख सुख सुख, बालक बालक बालका, अश्व अश्व अश्व। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आकारांत शब्द स्त्रीलिंग, प्राय स्त्रीलिंग होता आकारांत, लता लते लता, माला माले माला, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिका, नायिका नायिके नायिका। मकारांत नपुंसकलिंग, प्राय नपुंसकलिंग होते हैं, इनका अंतिम अक्षर वर्णमा हो, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, कमलम कमले कमलानी, नेत्रम नेत्रे नेत्रानी। नोट, आकारांत पुलिंग शब्द गज घट दीप नर काका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द महिला गायिका चटका कन्या, मकारांत नपुंसकलिंग शब्द चाकम जलम पत्रम धनम आदि के रूप भी, जो इसे अभी अभी तालिका के माध्यम से बताए, इसी तरह से चलेंगे। हैव ए नाइस डे ओवरऑल। आज के लिए इतना ही।